नमो विष्णुपादाया कृष्णप्रेष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरं आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। से भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण दंडक अरण्य वन की वन में जा रहे हैं, और इससे पहले उनको दंडक अरण्य वन के विषय में कि क्यों इसका नाम दंडक अरण्य पड़ा, दंड प्राप्त हुआ था राजा दंड को उनके अपराध के लिए, क्योंकि उन्होंने अरज जो कि शुक्राचार्य की पुत्री है उसके साथ गलत व्यवहार किया था, इसलिए शुक्राचार्य ने श्राप किया और पूरा उनका राज्य जलकर खाक हो गया, और इसलिए उसका नाम दंडक अरण्य पड़ा। जिस सजा के से जो जंगल की उत्पत्ति हुई है, इसलिए फिर इसके बाद हमने चर्चा किया था विराध नामक राक्षस के विषय में। विराध जिसके पास कोई राधा या राध मतलब प्रेम नहीं है, वास्तव में वह विराध राक्षस तुम्बरू नाम का एक गंधर्व था जिसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज को नेग्लेक्ट किया था और टेम्पटेशंस को ज़्यादा प्रायोरिटीज दिया था और अपनी सेवा करने में देर हो गई थी। इस कारण से कुबेर ने उनको श्राप दिया और वो विराध नामक राक्षस बन गया, और इसके बाद भगवान राम के द्वारा उसका उद्धार किया गया। इसके बाद हमने चर्चा की थी सरभंग ऋषि के विषय में। सरभंग वो ऋषि जिन्होंने अपने शरीर को भंग कर दिया था, यानी नष्ट कर दिया था, अभिषेक कर दिया था भगवान की प्रेजेंस में, उपस्थिति में, और उस एपिसोड से हमने देखा था कि ऑफरिंग देते वक्त भगवान को कुछ अर्पण करते समय व्यक्ति को अहंकार नहीं होना चाहिए, ये कुछ शिक्षा हमने देखी थी। और आज और सरभंग मुनि ने उनको बताया कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ, डायरेक्शन दे सकता हूँ, आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है सुतीक्ष्ण ऋषि से मिलने के लिए। और अब भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण सुतीक्ष्ण ऋषि से मिलने के लिए जा रहे हैं, और वे लोग एक आश्रम की तरफ पहुंच रहे हैं। जब एक आश्रम की तरफ पहुंच रहे हैं तब उस आश्रम में रहने वाले ऋषियों के अचानक उनके जीवन में एक अजीब सा बदलाव आ जाता है। वो दूर से देखते हैं कि दूर से उनको कोई हरी सी रोशनी चलती हुई नजर आ रही है। उन्होंने दूर से देखा कि कोई ब्राइट ग्रीन लाइट उनकी तरफ आ रही है, और उन्होंने जब ऐसा देखा, ऐसा महसूस किया, तो इसी बात से उन लोगों की आंखों में आंसू आने लगे और सब ने पूरे उत्साह से बोलने लगा कि हमारे रक्षक, हमारे पालनकर्ता जगन्नाथ सब यहाँ पर आ गए हैं। अंत में फाइनली ही इज हेयर। और कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कहाँ पर हैं, कौन है, दिखाओ हमें। तो लोगों सभी वहाँ पर ऋषि मुनियों में बहुत उत्साह कि कहाँ वास्तविक में वह आ गए हैं जिनकी हम पूजा इत्यादि करते हैं। अब एक ऋषि कहते हैं कि हाँ ये तो वास्तव में धर्मचारी हैं, यानी जो धर्म का पालन करने वाले हैं। दूसरा कहते हैं माता वहाँ पे दूर से देख रहे हैं तो माता सीता की तरफ देख के कहते हैं हाँ यही ये यशस्विनी जो कि यश की को निश्चित करती हैं, और उनके साथ धर्म के रूप में भगवान भी उपस्थित हैं। और
आगे और सभी भगवान के सुंदर रूप का वर्णन करते हुए सभी लोग, सभी ऋषि मुनि या सेजेस कुछ ना कुछ बयान कर रहे हैं। एक कहते हैं कि हाँ, यही यही हो सकते हैं, इनका इतना सुंदर रूप है। और जब अगर रूप की बात करते हैं तो रूप शब्द वाकई इनके लिए ही बनाए और पूरा इन पे फिट बैठता है। फिर आगे कहते हैं कि और यही नहीं, ये तो लावण्य भी हैं। लावण्य मतलब कि शरीर से एक दिव्य कांति जो प्रकट होती है। और कुछ उनके उनके शरीर का स्ट्रक्चर देख के क्या कहते हैं, ये सुकुमार्य भी हैं। सुकुमार्य यानी उनके शरीर का स्ट्रक्चर, बॉडी बिल्ड बहुत सुंदर है, सुडौल है, आकर्षित करने वाला है। और इसके बाद एक साधु कहते हैं कि ये सब भूल जाओ, लेकिन देखो उन्होंने किस प्रकार के कपड़े पहने हुए हैं। जो कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं उसके कारण उन्हें सुवेश कहा जाना चाहिए, ठीक है। और बिल्कुल स्वच्छ साफ सुथरे उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, और मेरे को तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि उन्होंने हमारे जैसे कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन फिर भी हमारे जैसे कपड़े पहनने के बावजूद भी वो कितने कितने शानदार नज़र आते हैं, कितने अद्भुत नज़र आते हैं, कितने आकर्षक नज़र आते हैं। अब उसमें से एक जो सबसे वृद्ध साधु थे वो कहते हैं ये वही हैं। अब सब लोग उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि ये वही है का क्या मतलब है। तो वो बताते हैं कि ये वही हैं जिनके ऊपर नित्य हम ध्यान लगाते हैं, और ये वही हैं जो हमारी सुप्रीम डेस्टिनेशन है, अल्टीमेट गोल है, और हम सबका लक्ष्य है। यानी भगवान इस एपिसोड से क्या देखा जाए, ये सब वास्तविक रूप में सेजेस हैं, लेकिन भगवान के भक्त हैं, निराकारवादी नहीं है, भगवान के भक्त हैं। और बताते हैं कि हाँ, इनको वही होना चाहिए कि सिर्फ ब्रह्म ज्योति में लीन होना उनके जीवन का लक्ष्य नहीं है। वो भगवान माध्यम कुछ भी लिया हो उन्होंने भगवान को प्राप्त करने का, लेकिन वो भगवान के साकार रूप को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए भक्तों की कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए तो जो बताया जाता है कि दंडक अरण्य ऋषियों के विषय में बताना चाहता है कि जब उन्होंने कुछ ऋषियों ने ऐसा सुंदर रूप देखा तो भगवान का संग करने का विचार उनके मन में आया, और तब भगवान ने कहा इस रूप में तो संभव नहीं है, इस अवतार में, लेकिन कृष्ण के रूप में जब मैं आऊँगा तब वे लोग गोपियाँ बन कर आएंगे। तो अलग अलग प्रकार की गोपियाँ, अलग अलग ग्रुप की गोपियाँ हैं, उनमें से एक ग्रुप की गोपियाँ जिसमें दंडक अरण्य ऋषि के ऋषि भी हैं। और इतनी देर में उन लोगों को, वो अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे, एक तरीके से अपने होश पूरे तरह से खो चुके थे, उन्हें इस बात का पता ही नहीं लगा भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण उनके करीब पहुंच गए। और फिर उनको देखकर उन्होंने उनको रियलाइज़ हुआ, उनका स्वागत करने लगे। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता भी बहुत प्रसन्न थे। इस प्रकार से ऐसे संतों की या साधुओं के संग में और जिस प्रकार से उनका उनकी ट्रेनिंग हुआ था या जिस प्रकार से अभी वो समय बता रहे थे, तो उनको पता चल रहा था इन संतों के संग का, क्योंकि इन संतों का, साधुओं का संग करना, संतों का संग करना, उससे उनके पास जो भी ज्ञान है, जैसे हमने कल चर्चा किया था, सर्वभंग ऋषि ने अंत में उनके साथ अपना सारा ज्ञान शेयर किया। और ऐसा वर्णन आता है कि कभी भी ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता था जब वे लोग ऐसे साधु संतों का संग नहीं करते थे और उनसे कुछ ना कुछ नया नहीं सीखते थे। जब वहां पर आकर भगवान राम ने देखा कि वे लोग अलग अलग प्रकार से तपस्या करने में लगे हुए हैं, बहुत कड़ी तपस्या है वे लोग करने में वहां पर लगे हुए हैं, तो भगवान राम को उनकी तपस्या देखकर बहुत उनसे आश्चर्यचकित हुए भगवान की इतनी मुश्किल तपस्या ये लोग करते हैं। और उनका, भगवान राम का उनके प्रति क्या कहना चाहिए, डिवोशन और बढ़ गया जब उन्होंने आसपास का माहौल भी देखा
वहां पर मंत्र का उच्चारण हो रहा था, कुछ लोग तपस्या कर रहे थे, डियर स्किन बिछाई हुई थी, यहाँ पर लोग जिस जो आसन पर बैठकर वे अपनी तपस्या किया करते थे। और थोड़ी दूर जाने के बाद भगवान राम ने एक दिशा की इशारा करते हुए कहा कि ये क्या है। दूर से उन्होंने देखा, उनको हड्डियों का एक पहाड़ सा नजर आया। बोले, इतना पवित्र स्थान है और यहाँ पर हड्डियाँ और उसका पहाड़, ये सब क्या है। तो वे उनको बताने लगे कि हमारे आश्रम की यही दर्दनाक सच्चाई है। ठीक है, हो सकता है बाहरी रूप से हम बहुत प्रसन्न आते हो, प्रसन्न दिखते हो, लेकिन वास्तविक रूप में हम बहुत दुखी हैं। और यही यहाँ और हमारे हमारे जीवन की सच्चाई दर्दनाक भी है और भयानक भी है। और फिर उनको बताते हैं, आप ही हमारे जीवन का एकमात्र सहारा है और आप ही हमारे एकमात्र जीवन की आशा है। सहारा भी है और आशा भी है। और पूर्ण रूप से वो भगवान के शरणागत हो जाते हैं। भगवान को कहते हैं, आप हमारे लिए अनन्य गति में, कि हम अनन्य गति गति और कोई गति नहीं, यानी आप ही हैं हमारे लिए हमारे शेल्टर, हमारे प्रोटेक्टर। और फिर उनको बताते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर उनको राक्षस के द्वारा तंग किया जाता है। राम उनसे कह राम की आंखों में उनकी बातों को सुनकर, उनकी दशा को देखकर भगवान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और भगवान उनसे कहते हैं कि आपकी मेरे लिए क्या ऋतु, मेरे लिए क्या आदेश है, आप मुझे आदेश बताइए, मुझसे विनती मत कीजिए। भगवान राम उनसे कहते हैं कि आपका आपकी जो स्थिति है, उस स्थिति में तो आपको मुझे निर्देश देना चाहिए, मैं तो आपका आपका दास हूँ। और फिर भगवान राम उनको यकीन दिलाने के लिए अपने धनुष को ऊपर उठाते हैं और एक प्रण लेते हैं या एक वाव लेते हैं कि मैं इस धरती से सभी राक्षसों को खत्म कर दूंगा या सभी राक्षसों का इस धरती से विनाश कर दूंगा। तो भगवान राम भी कहते हैं कि मेरे है ना कि भक्तों का कभी विनाश नहीं होता और बहुत जल्दी बहुत शीघ्र इस स्थान पर शांति शांति का वातावरण होगा। और सब लोग भगवान की जय जय कर कर जय जयकार करने लगते हैं। सज्जन रक्षण राम की जय, दीन जन रक्षण राम की जय, इस प्रकार से वह उच्चारण कर रहे हैं। तो यह सब बातें सुनकर राक्षस तो बहुत प्रसन्न सॉरी साधु तो बहुत प्रसन्न हो गए सॉरी, लेकिन माता सीता को थोड़ी सी चिंता हो गई। अभी विराट का वध करके आए हैं कुछ समय पहले या पिछले दिन उन्होंने वध किया उनके, और वो एक बहुत भयानक सा दृश्य था माता सीता के लिए, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। और अभी भगवान राम ने प्रण ले लिया कि वो सभी राक्षसों का वध कर देंगे। तो अब तो इस प्रकार से माता सीता चिंता में है और वह दिन वहां पर बिताते हैं। अगले दिन के विषय में इस प्रकार से आता है कि अभी तक लगभग लगभग 2 साल हो चुके हैं उनको जंगलों में। 1 साल चित्रकूट में बिताया और 1 साल अभी आगे चल रहे हैं। अभी जिस स्थान पर उनको रहना है उस स्थान पर पहुंचे नहीं है, यानी कि अभी ट्रैवलिंग चल रहा है उनका। तो अभी जैसे जैसे उनको लोग डायरेक्ट करते जा रहे हैं उस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पे थोड़ा समय यहाँ बिताना, थोड़ा समय वहाँ बिताना, जंगल में अभी उनका ट्रैवलिंग चल रहा है। और लेकिन इतने समय में वो तीनों जंगलों से थोड़ा फैमिलियर हो रहे हैं, एक्वेंटेंस उनका बढ़ रहा है उस जंगल से, जंगल के तौर तरीके, रहन सहन, किस प्रकार से जंगल में रहना चाहिए, उससे उसके वो आदि हो रहे हैं और उनको समझ में आ रही है। और यहाँ तक ये भी बताया गया है कि माता सीता तो वहाँ के इको सिस्टम से, जंगल के वातावरण से इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट हो गई कि उनको यह उन्होंने सीख लिया कि मधुमक्खी के छत्तों से मधुमक्खियों को डिस्टर्ब किए बिना मधु कैसे निकालना है।
बिना डिस्टर्ब किए हुआ, और उन्होंने यहाँ तक भी सीख लिया कि शेरनी का दूध कैसे निकालना है और कब निकालना है। जब शेरनी अपने बच्चों को पिला लेती है दूध, और उसके बाद जब उसके पास एक्स्ट्रा दूध होता है तो वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करती और उसका दूध जाकर निकाला जा सकता है। तो उन्होंने ये भी सीख लिया बिना डर के दूध निकालना शेरनी का। तो इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है ना, क्या क्या इम्पोर्टेंट लेसन है कि जानवरों की क्वालिटी का पता चलता है और मनुष्य की क्वालिटी का पता चलता है। जानवर जितना उनकी नीड होती है उससे वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन मनुष्य कभी सेटिस्फाई नहीं होते। उनके लिए ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, मुझे और दे दो, मुझे और दे दो, और क्या करें कंट्रोल नहीं होता, बस उनका यही मनुष्य का यही चलता रहता है। लेकिन पशु पक्षी जितनी उनकी आवश्यकता है उससे तुरंत वो संतुष्ट हो जाते हैं, वो आवश्यकता जैसे ही पूर्ण होती है। प्रभुपाद जी भी ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, एक बकेट ऑफ ग्रेन अगर रोड पे रखा है, चिड़िया आएगी दो दाना खाएगी, दो चार जितना उसको जरूरत है उसको लेकर चली जाएगी। अगर गाय भी आएगी, गाय जितना खाना है उसको थोड़ा सा खाएगी, उसके बाद पेट भर जाएगा चली जाएगी। मनुष्य आएगा इधर उधर देखेगा, बाल्टी उठाएगा ट्रक में डाले और चलता बनेगा, तो उसको वो और फिर भी रास्ते में देखेगा और कोई बाल्टी तो नहीं रखी हुई है। तो ये मनुष्य वे कभी संतुष्ट नहीं होते क्योंकि उनके सेटिस्फेक्शन की कोई लिमिट नहीं है। चल रहा है क्या? अब वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं और रास्ते में बात एक दूसरे से बात करते हैं, स्थान की चर्चा करते हैं, और कई दिनों तक, एक दिन दो दिन कई दिन बिताने के बाद लगभग लगभग हर दिन ऐसा निश्चित किया जाता है कि लगभग लगभग हर दिन उनका चलना ठीक है। तो और कभी कभी उनका दिन निकल जाता है चलते चलते, कभी शाम को बोन फायर करते हैं जंगल में उसके और आसपास अपना डिस्कशन करते हैं, कभी वॉक द टॉक, कभी चलते हुए बातचीत करते हैं ठीक है। तो इसी प्रकार से चलते चलते माता सीता के मन में एक प्रश्न घूम रहा था, वह प्रश्न जो कि तब से था जब से भगवान राम ने वह प्रण लिया था कि वो पृथ्वी से सभी पृथ्वी से सभी राक्षसों का विनाश कर देंगे। और वह विचार कर रही थी कि यह प्रश्न वह जरूर भगवान से करना चाहती हैं, उनसे पूछना चाहती हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से विचार किया, सोच समझकर पूरा एनालाइज करके, जल्दबाजी में नहीं, और कैसे अपने शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, कब ये प्रश्न करना चाहिए, यह सब विचार करने के बाद उन्होंने वह प्रश्न भगवान राम से पूछा जो कि उन्हें कई दिनों से परेशान कर रहा था ठीक है। तो भगवान राम से वो प्रश्न करती हैं और बहुत ही सेंसिटिवली बहुत ध्यान रख के कि कैसे उनको अपने शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, वह अपने शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। और क्योंकि कभी कभी किसी को अभी उनका मूड भगवान राम को कन्फ्रंट करने का था, और इसीलिए उन्होंने समय का बिल्कुल ध्यान रखा, शब्दों का बिल्कुल ध्यान रखा, और बहुत सेंसिटिव होके अपने शब्दों का इस्तेमाल किया। क्योंकि अगर जब कन्फ्रंट करने की बारी आती है, सेंसिटिवली इश्यूज को डील नहीं किया जाएगा, शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तो कन्फ्रंट करना कन्फ्लिक्ट में बदल सकता है। देर इज अ डेंजर
झगड़ा हो सकता है, इसीलिए बहुत ही सेंसिटिव डीलिंग करने की आवश्यकता है। और यहाँ पर माता सीता ने सही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए भगवान राम से प्रश्न किया। सबसे पहले उनसे कहा कि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। आई मीन लाइक दिस, इफ यू प्लीज अलाउ मी, है ना, समथिंग लाइक दिस। और भगवान ने कहा कि हाँ, आप जो भी प्रश्न मुझसे करना चाहती हैं। और भगवान ने अपने सारा कार्य बंद कर दिया। ऐसा नहीं है बताओ अच्छा क्या करना है जो भी है, तो ऐसा नहीं, सारा काम बंद कर दिया और पूरा फोकस, पूरा अटेंशन। जब कोई व्यक्ति सीरियस बात करना चाहता है और उस समय उसको फोकस, सीरियस अटेंशन दिया जाता है और आँखों में आँखें मिला के आई कॉन्टैक्ट होता है, तो व्यक्ति को ये विश्वास हो जाता है कि मेरी बात को सुना जा रहा है, मेरी बात को वैल्यू किया जा रहा है, मेरी बात को अहमियत दी जा रही है। तो वो सही रूप से अपनी बात को प्रकट कर सकता है और सही रूप से उसकी भावनाएं भी समझ में आएंगी। और जब सही रूप से भावनाएं समझ में आती हैं तो इशू को सही रूप से समझ के आसानी से टैकल भी किया जा सकता है। तो बहुत आवश्यक है कि एक आई कॉन्टैक्ट हो। माता सीता उनसे कहती हैं, माता सीता कहती हैं कि अगर मैं क्षत्रिय धर्म की बात करूं तो क्या क्षत्रिय धर्म तीन प्रकार से अधर्म में नहीं बदल जाता? तो बताती हैं कि तीन कौन कौन से कार्य करने से क्षत्रिय धर्म भंग हो जाता है। तीन कौन कौन से, तो बताती हैं कि इमरजेंसी नहीं होने के बावजूद भी झूठ बोलना, अवैध संबंध रखना और अपने मन में एनिमोसिटी, व्हाट इज कॉल्ड, घृणा का भाव रखना या दुश्मनी का भाव रखना दूसरों के प्रति, तो क्या ये नहीं है? भगवान राम कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है, अगर ये तीन भाव, तीन कार्य किए जाते हैं तो क्षत्रिय धर्म भ्रष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो माता सीता कहती हैं कि जहाँ तक झूठ बोलने की बात है या अवैध संबंध रखने की बात है तो इनमें तो मुझे आपने कोई दोष नज़र नहीं आता, लेकिन जहाँ तक घृणा और द्वेष रखने की बात है उसमें मैं आपको पूरे 100 मार्क्स देने में मेरे को थोड़ी सी टेंशन हो रही है या चिंता हो रही है, उसमें मेरे को आपको क्लीन चिट देने में थोड़ा सा संकोच हो रहा है। तो भगवान पूछते हैं ऐसा क्या है? तो फिर माता सीता उनको कहती हैं कि जब से मैंने सुना है कि आपने इतना भयंकर वाव ले लिया कि आप सभी राक्षसों को मार डालेंगे, तो क्या ये घृणा का भाव नहीं है? वे आप उन लोगों का वध क्यों करना चाहते हैं जिन्होंने आपका कुछ बिगाड़ा ही नहीं? जैसे अभी हम पिछले कुछ समय, कुछ दिन पहले ये प्रश्न पूछा गया था कि अपहरण क्यों किया गया, माता सीता का अपहरण, इसके विषय में प्रश्न पूछा गया था ना, तो रावण का वैसे ही क्यों नहीं वध कर दिया गया? तो माता सीता भी एक तरह से ये प्रश्न पूछा जा रहा है अभी माता सीता के द्वारा कि वो तो हमको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे, अगर डिस्टर्ब करें उनका वध किया जाए, लेकिन हर एक को मार देना, जो लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनको भी मार देना। और जहाँ है ना, तो आप, मुझे लगता है कि आप ज़्यादा ही क्रूरता दिखा रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा क्रूरता दिखा रहे हैं, और यह समस्या आपके वाव की नहीं है, यह समस्या आपके बो की है, आपके आपके धनुष की है, ठीक है, है ना। और जहाँ तक ये तीन क्षत्रिय धर्म को भ्रष्ट भ्रष्ट करने वाली बात है, ये भगवान राम में तो दोष नहीं देखे जाते, लेकिन आगे देखा जाएगा ये रावण और शूर्पणखा के द्वारा ये बिल्कुल इनको इस्तेमाल किया जाएगा। रावण के द्वारा अवैध संबंध और घृणा और दूष और निसहाय लोगों पर अत्याचार किया जाएगा, और शूर्पणखा के द्वारा झूठ बोला जाएगा। माता सीता आगे कहते हैं कि ऐसा नहीं है क्या कि हम जंगल में साधुओं का जीवन बिताने के लिए आए हैं, एक प्रकार से वानप्रस्थी का हम जीवन बिताने के लिए आए हैं,
ये क्षत्रियों का जीवन का तो हम त्याग करके आए हैं, क्षत्रिय लाइफ स्टाइल का हम त्याग करके आए हैं। हमको तो वास्तविक रूप में ये हथियारों का, अस्त्र शस्त्र का भी त्याग कर देना चाहिए। यह क्यों त्याग कर देना चाहिए? क्योंकि ये शक्ति का सिंबल है, पावर का सिंबल है, और ये कंट्रोल का सिंबल है, तो इसको हमको त्याग कर देना चाहिए, ठीक है। और जब हम कंट्रोल का त्याग करेंगे तब हम भगवान के ऊपर निर्भर कर पाएंगे। अगर कंट्रोल अपने पास रखेंगे, है ना, कि मैं कंट्रोल मेरे पास है, तो फिर जो सुप्रीम कंट्रोलर है उस पर डिपेंड होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जबकि हम साधुओं का जीवन जंगल में जीने के लिए आए हैं, तो इसका मतलब हमको पूर्ण रूप से उन पर आश्रित होना चाहिए। लेकिन हथियार हाथ में लेकर, अष्ट शस्त्र हाथ में लेकर हम जीवन तो ऐसा जी नहीं सकते। तो हम साधु का जीवन की बात भी करते हैं और साथ में अष्ट शस्त्र भी हैं। तो ये दो अलग अलग पहलू हैं, दो एक्सट्रीम हैं। ये बात मेरे को कुछ समझ में नहीं आती। और फिर वो बताते हैं कि शक्ति आने से व्यक्ति उसका गलत इस्तेमाल जरूर करता है। और फिर आगे बताती हैं कि क्या आपने नहीं सुना इंद्र और वो ऋषि की कहानी? तो भगवान को आप आगे उस कहानी के विषय में बताती हैं कि एक ऋषि थे जो तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या को भंग करने के इरादे से इंद्र उनके पास आया और इंद्र ने उनको कहा, देखो मुझको फ्रेश होने जाना है, थोड़ी देर के लिए मेरी तलवार पकड़ लो। तो साधु ने कहा, रख दो यहीं पर, कहीं पर कुटिया में रख दो। तो इंद्र ने उनको विश्वास, ये कोई साधारण तलवार नहीं है, ये बहुत ही कीमती है, बेशकीमती है, अद्भुत है, इसको आप थोड़ी देर के लिए पकड़ लीजिए, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, मैं ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा, कुछ सेकंड की बात है, कुछ मिनटों की बात है। और ऐसा कहकर उनके हाथ में तलवार देकर इंद्र वहां से चला गया कभी नहीं वापस आने के लिए। और जैसे ही उसके हाथ में वो तलवार आई ऋषि के मुनि में, उसने देखा, बहुत सुंदर प्रतीत होती है, तो उन्होंने कहा कि देखे तो सही इसकी कितनी शक्ति है। उन्होंने तलवार निकाली और एक बार उसको चलाया, और एक बार तलवार चलाने से मोटा लकड़ी का लट होता है तना पेड़ का, बहुत आसानी से कट गया। उन्हें उनकी शक्ति का एहसास हुआ, अरे ये तो बहुत ही शक्तिशाली तलवार प्रतीत होती है। तो उसकी शक्ति को और आजमाने के लिए वो अपनी कुटिया से बाहर निकल गए और पेड़ों को काटने लगे, जानवरों को काटने लगे। और बस अब उनका डेली का काम यही हो गया था, जानवरों का शिकार करना, पेड़ों को काटना, और बस अब उनका कार्य तलवार चलाना हो गया था। और धीरे धीरे वो एक ऋषि या साधु से एक डाकू बन गए, और धीरे धीरे डाकुओं को अपने अपने यहाँ पर आश्रय देने लग गए। अब पूरा जीवन उनका परिवर्तन हो गया सिर्फ एक तलवार आने से, पावर या शक्ति आने से। तो पावर का सिंबल जैसे ही उनके हाथ में आया तो वो, है ना, तो ये सिंबल्स का भी अगर देखा जाए तो सिंबल्स का भी असर होता है। जैसे हम देखते हैं, हालांकि नहीं देखा जाता होगा, लेकिन जैसे सिखाया जाता है, जैसे ही नेशनल फ्लैग के हम सामने आते हैं या उसको फहराया जाता है तो खड़े होना चाहिए, और नेचुरली एक ऑ एंड रेवरेंस उसके प्रति उत्पन्न होता है। तो वो सिंबल है पेट्रोटिज्म, क्या बोलते हैं, देश के साथ देशभक्ति का और वफादारी का, बहादुरी का, इस प्रकार से इस प्रकार के भाव आते हैं। और अगर इसी के उल्टे कोई गन की फोटो आए, सिंबल आए, टेररिस्ट की फोटो आए, तो क्या लगेगा, डर लगेगा, आतंक महसूस होने लगा, है ना, और अत्याचार ऐसा लगने लगेगा। तो ये सिंबल से वही भावनाएं प्रकट होती हैं, है ना। तो जैसे ही उसके हाथ में वो शक्ति का सिंबल आया, उसका पूरा जीवन बदल गया। माता सीता ये कथा क्यों सुना रही है कि आपके हाथ में भी ये शक्ति का सिंबल है। हम तो जंगल में आए हैं त्याग का जीना, त्याग का जीवन मतलब हमको वॉलेंटरली अपने कंट्रोल को, शक्ति का त्याग कर देना चाहिए। तो वही त्याग कहलाता है। जबरदस्ती अगर उसका त्याग करवाया जाएगा तो वो रिनन्सिएशन नहीं है, वो त्याग नहीं है। तो हम आए हैं ये जीवन जीने के लिए, हम साधु का जीवन जीने के लिए, है ना, तो हमको उसका त्याग कर देना चाहिए।
यहाँ पर माता सीता आप देखें कि बहुत पॉलिश तरीके में भगवान राम के साथ चर्चा कर रही हैं। उनके मन में डाउट भी है लेकिन अपने डाउट को अच्छे तरीके से प्रकट कर रही हैं, सही शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं और उनसे साथ में प्रश्न भी पूछ रही हैं। उनके ऊपर तोहमत नहीं लगा रही, आपने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, क्या जरूरत थी उसको मारने के मारने के लिए, क्या जरूरत थी ऐसा वाव लेने के लिए, तुमको तो गुस्से के अलावा और कुछ आता ही नहीं है, तलवार हाथ में आ गया तो सारा गुस्सा सारा दिन सर पे चढ़ा रहता है, ऐसे किसी शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, स्ट्रॉन्ग शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, बहुत ही बैलेंस्ड शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, बहुत सेंसिटिविटी के साथ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। और इसी से हम समझ सकते हैं, अगर किसी को फीडबैक देना है, दैट इज साइंस ऑफ फीडबैक, आर्ट ऑफ फीडबैक, कि फीडबैक कैसे देना चाहिए। और ये जीवन में हमेशा मौका आएगा तो फीडबैक देने के लिए जब बताते हैं फीडबैक कैसा होना चाहिए, तो फीडबैक के लिए बताते हैं फीडबैक सैंडविच के समान होना चाहिए, कि सैंडविच मतलब दो लेयर के बीच में एक लेयर। तो दो लेयर क्या है, दो लेयर, फर्स्ट लेयर ग्लोरीफाई करना, फिर बीच की मिडिल लेयर स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट बताना, और थर्ड लेयर फिर दोबारा से ग्लोरीफाई करना। इन दो लेयर के बीच में एक स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट डालना चाहिए। अगर हमारे पास 5 स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट है, यानी इसका मतलब हमारे पास कम से कम 10 पॉइंट्स होने चाहिए ग्लोरीफिकेशन करने के लिए। तो ग्लोरीफिकेशन की जब उसकी फीडबैक की बात आता है, तो फीडबैक जितना ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, टू द पॉइंट होता है, और जिसको हम मेजर कर सकते हैं उतना अच्छा रहता है, ठीक है। इसके बाद हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि फीडबैक देने के लिए कुछ और चीज़ों का, कि फीडबैक के लिए कि सबसे पहले कि आई एम द ऑथराइज पर्सन टू गिव फीडबैक, क्या मेरे को अधिकार है फीडबैक देने का। तो ये अधिकार प्राप्त होता है दो चीजों से, या तो संबंध से प्राप्त होगा या फिर सेवा दी गई होगी, मैनेजरियल अथॉरिटी की, सीनियर की अथॉरिटी, या फिर अच्छा संबंध होगा तो उससे ये अधिकार प्राप्त होता है। और फिर दूसरा कि मैं फीडबैक तो देना चाहता हूँ, अथॉरिटी के साथ साथ मेरा इंटेंशन कैसा है, इंटेंशन क्या होना चाहिए फीडबैक के लिए। फीडबैक के लिए इंटेंशन होना चाहिए इम्प्रूवमेंट, कि मैं इम्प्रूवमेंट, इस सामने वाले व्यक्ति का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, मिशन का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, सिस्टम का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, इस प्रकार से। और तीसरा कि अथॉरिटी भी है, इंटेंशन भी है, लेकिन देश काल और स्थान तीनों उपयुक्त हैं कि नहीं है, टाइम प्लेस और सर्कमस्टांसिस के मद्देनजर रखते हुए फीडबैक देना चाहिए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि सड़क पर, रोड पर, भरी सभा में अगर ये फीडबैक दे दिया जाए तो उतना उसको उचित रूप से स्वीकार नहीं कर किया जाता। तो सही समय का इंतज़ार करना चाहिए, सही स्थान का इंतज़ार करना चाहिए। और ऐसा बताते हैं कि ग्लोरीफिकेशन पब्लिक में करना चाहिए, और अगर कुछ पॉइंट है इम्प्रूवमेंट का बताने के लिए उसको प्राइवेट में करना चाहिए। फिर अंत में कि फीडबैक को कैसे रिसीव करना चाहिए, ठीक है। तो इसको रिसीव करने के लिए एक्ट ACT ये तरीका है इसको फीडबैक को स्वीकार करने के लिए। ए मतलब एक्सेप्ट करना, सी मतलब क्लैरिफाई या क्लैरिटी उसमें लाना अगर आपको आवश्यकता है तो, और टी मतलब थैंक्स, जिसने फीडबैक दिया है उसके लिए उसको धन्यवाद करना कि आपने मुझको एक ऐसा पॉइंट बताया है जिस पे मैं कार्य कर सकता हूँ और अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ, ये मुझको हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए या अपनी कमियों को सुधारने के लिए। अब माता सीता से ऐसे वचनों को सुनकर भगवान राम माता सीता से कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने क्षत्रिय धर्म का त्याग किया गया हो, और मुझे कभी भी कहा नहीं गया कि मुझे क्षत्रिय धर्म का त्याग करना है।
हमें कहा गया है कि जंगल में जाकर जीवन बिताने के लिए, लेकिन यह नहीं कहा गया हाँ बस भगवा वस्त्र या साधु के वस्त्र हमको धारण करने के लिए जरूर बोला गया है, लेकिन साधु का जीवन बिताने के लिए नहीं बोला गया कि भगवा वस्त्र आप धारण कर रहे हो तो वो हमने वो गेटअप ले लिया है, लेकिन क्षत्रिय धर्म का त्याग नहीं करूँगा, ना ऐसा मुझे कहा गया है और ना ऐसा मैंने कहा है। तो फिर आगे बताते हैं कि क्षत्रिय होना ये चॉइस का विषय नहीं है, ये तो जिम्मेदारी की बात है, ठीक है। और एक क्षत्रिय का जन्म चुनने के लिए नहीं होता, एक क्षत्रिय का जन्म अपनी जिम्मेदारी का निभाने के लिए होता है, चाहे वो जंगल हो या राज्य हो, है ना, चाहे शहर हो या ऐसा ऐसा वन का स्थान हो, और चाहे पोजीशन हो या नहीं भी हो, एक क्षत्रिय का धर्म क्या कहलाता है कि एक क्षत्रिय का धर्म कहलाता है कि उसको जो जिम्मेदारी मिली है उसको वो निभाए। और जैसा कि पहले इन्होंने चर्चा किया था, भरत जी के साथ चर्चा किया था कि आप अयोध्या का राज्य संभालो, मैं वन का राज्य संभालूंगा, तो वन में रहकर भरत को असिस्ट करना एक क्षत्रिय यानी कि मेरी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। और क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी बनती है इसीलिए मैं कभी भी अपनी क्षमता का त्याग नहीं कर सकता या अपनी शक्ति का त्याग नहीं कर सकता लोगों का जीवन बचाने के लिए। तो इस प्रकार से भगवान राम माता सीता को बताते हैं और उनको कन्विंस करते हैं, है ना, इन शब्दों के साथ। हो सकता है कि ये संसार खत्म हो जाए, लेकिन मैं कभी भी अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं हटूंगा जो कि मैंने ऋषि मुनियों को उनकी रक्षा करने के लिए दिया। और इसके बाद वह आगे बढ़ते हैं और सुतिक्षण जो कि अगस्त्य मुनि के शिष्य हैं, वह उनके साथ हैं और वह चर्चा कर रहे हैं अब उनसे वो अगस्त्य मुनि की चर्चा करते हैं और उनके विषय में बताते हैं कि अगस्त्य मुनि किस प्रकार से एक बहुत ही तेजस्वी महान साधु हैं। और उनके विषय में बताते हैं कि एक साधु तो है वो, लेकिन एक साधु जैसा उनका देखने में अपीयरेंस नहीं है। जनरली साधु की जब बात आती है तो ऐसा लगता है कि उनकी जटाएँ होंगी और थोड़े से दुबले पतले होंगे, लेकिन यह साधु हैं थोड़ी छोटी हाइट के हैं, गोल मटोल से हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं और थोड़े से बाल्ड हैं, इनके सर पे उतने बाल नहीं हैं, और इसके साथ साथ इनका डिमीनर या इनकी पर्सनैलिटी गंभीर नहीं है। गंभीर तो हैं लेकिन थोड़े हंसी मजाक करने वाले भी हैं। तो साधु, ऐसे साधु लक्ष्मण जी कहते हैं ऐसे भी साधु हो सकते हैं। अभी तक तो मैंने जो साधु देखे हैं बस वो सारे गंभीर अब मुद्रा में ही नजर आते हैं। हंसी मजाक करने वाले साधु बोले हाँ इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है तो आपको इनके इनसे मिलकर बहुत प्रसन्नता होगी, ठीक है। और वो बताते हैं कि जिस प्रकार से इनका अपीयरेंस अलग है इस प्रकार से इनका बर्थ भी एक तरीके से साधारण नहीं हुआ था। तो बताते हैं इनका और आपके गुरु वशिष्ठ मुनि का जन्म एक क्ले पॉट में हुआ था, और ये दोनों किसके पुत्र हैं, उर्वशी के पुत्र से जन्म हुआ है दोनों का, और क्ले पॉट में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और अग का अर्थ होता है माउंटेन या पर्वत, और अस्थि का मीन होता है रोक लेना, है ना। तो अगस्त्य का मतलब है कि जो कि पर्वतों को भी रोक सकता है, तो इतनी इनकी शक्ति है। और इसके बाद आगे आगे चर्चा करेंगे। तो फिर उनके विषय में आगे बताते हुए बताते हैं कि एक बार यह जंगल से गुजर रहे थे तो इनको आवाज़ सुनाई दी जंगल में, हमें बचाओ हमें बचाओ हमें बचाओ, ऐसी आवाज़ें इनको आने लगी। तो जब आवाज़ की दिशा में गए तो अब आवाज़ और क्लियर हो गई, अगस्त्य हमें बचाओ, अगस्त्य हमें बताओ बचाओ। तो इन्होंने ये आवाज़ें सुना और आगे जब और पास जाके देखा कि कुछ लाशें उल्टी लटक रही है, उन्होंने बोला ये लाशें लटक रही हैं, उनसे आवाज़ भी आ रही है और
मेरा नाम लेकर भी बुला रहे हैं, आखिर है ये कौन? उन्होंने बोला पूछा कि कौन हो, मुझे कैसे जानते हो, मेरा नाम कैसे जानते हो, ऐसा तो नहीं है मैं यहाँ से निकल रहा था तो देख के मेरा नाम बुलाने लगे? तो बता, वो उनको बताते हैं कि हम तुम्हारे पूर्वज हैं और हमारी इस दशा या हमारे इस हालत के जिम्मेदार तुम हो। बोले मैं कैसे हूँ, मैंने तो आज तक कोई गलत कार्य नहीं किया, किसी के बारे में कोई बुरा तक नहीं सोचा, मैं कैसे जिम्मेदार हूँ? बोले कि आप ऐसे जिम्मेदार हैं, आपने आपने विचार कर लिया कि आप विवाह नहीं करेंगे, आप विवाह नहीं करेंगे तो आपकी संतान उत्पन्न नहीं होगी, आपकी संतान उत्पन्न नहीं होगी तो हमारा पिंड दान कौन करेगा, हमारे को श्राद्ध कौन देगा? पूर्वजों का श्राद्ध करना, पूर्वजों का पिंड दान करना, ये एक पुत्र का कर्तव्य है और पूर्वजों का इस पर अधिकार है। अगर उनको यह प्राप्त नहीं होता तो वो इसी तरह भटकते रहते हैं, उनको कोई शरीर प्राप्त नहीं होता। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, पिंड दान करना, श्राद्ध करना, भगवान राम ने भी किया है और चैतन्य महाप्रभु ने भी किया था, इसका वर्णन आता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, अगस्त्य मुनि आप उस बात को स्वीकार करते हैं तो कहते हैं आप बताइए मुझे क्या करना होगा, मैं हर बात मानने को तैयार हूँ, जो भी बात आप मुझको कहेंगे, जो भी सोल्यूशन बताएंगे, मैं बिल्कुल आपकी बात को मानूंगा, आपको इस दशा से बाहर निकालने के लिए मैं हर एक कार्य करने को तैयार हूँ, बड़ी से बड़ी तपस्या करने के लिए तैयार हूँ, आप जो मुझसे चाहेंगे मैं सब करने को तैयार हूँ। तो वह बताते हैं आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि आप शुद्ध भक्ति कर लो, शुद्ध भक्त बन जाओ। तो अगर आप शुद्ध भक्त बन जाओगे तो फिर उनकी तो पूर्वज वैसे ही तर जाते हैं और उनको फिर ये श्राद्ध सेरेमनी और ये सब करने की आवश्यकता नहीं होती। तो जो हम श्लोक पढ़ते हैं, ना देव ऋषि भूतात निर्णाम पितृणाम, तो इस श्लोक में यही बताया जाता है कि कोई भी अधिकार उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ऋण नहीं रह जाता, ना पितरों का ऋण ना देवों का ऋण, बशर्ते कि भगवान की शुद्ध भक्ति करना स्वीकार कर लेते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब बन जाएंगे तब ऋण मुक्त हो जाएंगे, लेकिन जब तक बने नहीं है तब तक उनको करना पड़ेगा। तो हमारी स्थिति में ये पता चलता है कि हमको हम कौन सी स्थिति में, अभी तक शुद्ध भक्ति हमको नहीं आई है तो हमको करना है। तो वो बताते हैं, और यह जो शुद्ध भक्ति है वो भगवान की कृपा से प्राप्त होती है, डिसेंड होती है, इसको आप हासिल नहीं कर सकते हो, आप प्रयास कर सकते हो लेकिन हासिल नहीं कर सकते। वो कब प्राप्त होगी, तब तक ये बहुत लंबा प्रोसेस है, तब तक हमारी हालत ऐसे ही रहेगी। या फिर दूसरा एक जो छोटा रास्ता है कि आप विवाह कर लीजिए और संतान की उत्पत्ति कीजिए, है ना, और आपका पुत्र ये बात को सुनिश्चित करेगा कि हमारे को आप पिंड दान किया जाए, श्राद्ध सेरेमनी की जाए और जो ये रेगुलर बेसिस पे किया जाएगा फिर हमारा उद्धार हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, अगस्त्य मुनि जो कि साधु हैं, साधुओं का मतलब कि उनका हृदय करुणा से भरा हुआ है, तो उनके मन में बिल्कुल करुणा आई, इन लोग अपने अपने ही पूर्वजों के लिए करुणा का भाव उत्पन्न हो गया और उन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, एक जीवन का डिसीजन और जीवन का उन्होंने बदलाव लाने का निश्चित किया, अपने लिए नहीं किया क्योंकि उसकी उस वक्त उसकी आवश्यकता थी और उनका हृदय क्योंकि कंपैशन से भरा हुआ था इसलिए उन्होंने अपने जीवन में एक बदलाव लाया। हालांकि अभी तक उन्होंने एक तपस्या के जीवन को स्वीकार किया था, हालांकि उन्होंने सोचा था कि मैं विवाह नहीं करूंगा और इस चक्रों में नहीं पड़ूंगा, लेकिन अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए और लोगों की वेलफेयर के लिए उन्होंने ऐसा इस निर्णय किया कि अब उनको विवाह कर लेना चाहिए। तो कभी कभी जब हम कहते हैं कि विवाह वो सॉरी चेंज जीवन में आते हैं, चेंज आएंगे आएंगे, तो कभी कभी यह चेंज इतने बुरे भी नहीं होते, तो चेंज को स्वीकार करना चाहिए। जैसे जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है उसके जीवन में चेंज आना चाहिए ना, फोर्थ क्लास से फिफ्थ क्लास में आना चाहिए, फिफ्थ से सिक्स में आना चाहिए, बदलाव नहीं आएगा वहीं पर रुक जाएगा, तो
उतना उचित नहीं माना जाता। जैसे अभी लोग परेशान हैं, कोरोना के कारण बहुत लोग परेशान हैं, एग्जामिनेशन नहीं हो रहा, कब होगा, कैसे होगा, पढ़ाई कैसे होगा, पूरी कैसे होगा, है ना। गवर्नमेंट ने बोल तो दिया है, कुछ लोगों को पास कर दिया है, कुछ कुछ क्लासेस को पास कर दिया है, कुछ क्लासेस अभी बची हैं, उनका टेस्ट कैसे होगा, क्योंकि उनके जीवन में रुक गया है। अभी लोगों का जीवन रुक गया है एक तरीके से, तो लोगों को समझ नहीं आ रहा। लोग बदलाव, अब ये जो एक स्थगित हो गया जीवन, उसमें बदलाव की इच्छा करें, तो बदलाव हर समय गलत नहीं होता। यहाँ पर एक ऐसा बदलाव जो पॉजिटिव चेंज लाने के लिए वह बदलाव चाहते हैं। जैसे बच्चे हमेशा चिंता करते रहते हैं कि वो कब बड़े होंगे, या विशेष रूप से एक जो बच्चे होते हैं जो थोड़े से गोलू मटोलू होते हैं, गाल वाल भरे होते हैं, उनके माता है ना जो भी आता है उनके गाल को खींच लेता है ना, है तो उनको लगता है यार कब बड़ा होगा, कब ये मेरा पीछा छोड़ेंगे। और इस प्रकार से कई चेंज के विषय में वर्णन किया जाए, जैसे कैटल पिलर का चेंज होता है, कैटल पिलर जब बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है तो अब वह उड़ सकता है, उसका जीवन में पूरा बदलाव आ गया है, ठीक है। या एक बीज परिवर्तन होता है प्लांट के रूप में, फिर पेड़ के रूप में, तो चेंजेस पॉजिटिव भी होते हैं, हर चेंज गलत नहीं होता। तो जीवन और चेंज तो प्रकृति का नियम ही है, हमें क्या करना है कि हमको चेंज को स्वीकार करना है, चेंज से डरना नहीं है, चेंज से भागना नहीं है, और उसको चेंज को स्वीकार करना है। कैसे, जब जब चेंज हमारे हमारी बदलाव इंटरनल स्टेबिलिटी को लेकर आता है ना, तो ये हमारे लिए अच्छा है। लेकिन जब वह बदलाव हमारे जीवन में उथल पुथल लेकर आता है तो वह उतना उचित नहीं है, वैसे चेंज से बचना चाहिए। और अगस्त्य मुनि ने जो अभी अपने जीवन में बदलाव लाने का निश्चय किया, वो वाकई बहुत से लोगों के जीवन में एक पॉजिटिव चेंज लाने वाला था, क्योंकि वह पूरे जगत का इससे भला करने का विचार कर रहे थे। और ऐसा विचार करके वो तपस्या करने चले गए। अपने तपोबल से उन्होंने अपनी सारी शक्तियों को, तपस्या की शक्तियों को इकट्ठा किया और एक बहुत सुंदर बेबी गर्ल को प्रकट कर दिया अपनी तपस्या के बल से, और इसका नाम था लोप मुद्रा, ठीक है। तो लोप मुद्रा में दो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, लोप का मतलब होता है कोई दाग, और आ मुद्रा जिसमें कोई दाग ना हो, लोप मुद्रा, ठीक है, जिसके अंदर कोई कमी नहीं है। बहुत सुंदर मतलब सबको आकर्षित करने वाली इतनी ऐसी उसकी सुंदरता थी, लेकिन वो अभी एक बेबी गर्ल के उस रूप में है। तो अब उस गर्ल को लेकर वह अगस्त्य मुनि विदर्भ के राजा के पास चले गए और उनके पास जाकर कहा कि आपको संतान नहीं है ना, आपकी प्रार्थनाएं भगवान ने सुन ली है, लो ये आपकी पुत्री है, आप इसका लालन पालन करो। और जब विदर्भ के राजा ने देखा कि ये इतनी सुंदर पुत्री उनको प्राप्त हुई है, वो बहुत खुश होने लगे। लेकिन अगस्त्य मुनि ने उनके अपनी बात पूरी करते हुए कहा, एक हफ्ते में ये बड़ी हो जाएगी और एक हफ्ते बाद मैं आऊँगा और इससे विवाह कर लूँगा। इसलिए उन्होंने प्रकट किया था, विवाह करने के लिए उसने प्रकट किया था, पर्पस ही वही था, बेटी के रूप में प्रकट नहीं किया, ठीक है। और फिर उसको कहते हैं कि क्योंकि ये विदर्भ में बड़ी होगी तो इसका नाम वैदर्भी भी होगा, और क्योंकि यह अपनी शुद्धता के कारण और अपनी चैस्टिटी के कारण, प्यूरिटी के कारण किसी के भी वर को पूरा करने में सक्षम होगी, और इसकी इसलिए इसका नाम वर प्रदा भी होगा, ये सभी के वर को पूर्ण कर सकती है। तो तीन नाम हो गए, लोप मुद्रा, वर प्रदा और विदर्भी। अब राजा विदर्भ के राजा, उनको बहुत खुशी हुई थी पुत्री प्राप्त हुई है, लेकिन उन्होंने ये दूसरी न्यूज़ सुन के थोड़ा सा हैरान हो गए, क्या करना चाहिए। अब उनके पास दो ऑप्शन है, या तो उनसे बहस करें, ये कोई तरीका है, हैं अगस्त्य मुनि से बहस करें, अब इतने पावरफुल हैं वो, उनसे बहस करना उचित भी नहीं लगता, या फिर दूसरा उनके पास है कि ये 7 दिन जो मिले हैं उसी में उस लड़की का लालन पोषण कर लें और बच्चे को पालने का सुख उनको प्राप्त हो जाएगा। तो ये दो ऑप्शन थे, तो उन्होंने दूसरे ऑप्शन को
स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन क्या था? हाँ, लिमिटेड हैप्पीनेस का चाहे ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। ठीक 7 दिनों के बाद अगस्त्य मुनि उनके उनकी सभा में आए, वहीं पर लोक मुद्रा को बुलाया गया और वो तब तक बहुत सुंदर स्त्री के रूप में बड़ी हो चुकी थी और उस जो भी उसको देखता था बेहोश हो जाता था, इतनी सुंदर थी। जब तक वो सभा में पहुंची, अगस्त्य मुनि और विदर्भ के राजा को छोड़कर सब लोग बेहोश हो गए। अब वो राजा अपनी पुत्री को देखते हैं, इतनी सुंदर टॉल और इतनी ब्यूटीफुल लड़की है, और उधर अगस्त्य मुनि को देखते हैं, छोटी हाइट से, गंदे मोटे से साधु हैं। तो वो अभी विचार करें कैसे इसकी शादी कर दूं मैं, मतलब ये तो कोई मैच ही नहीं है। तो अगस्त्य मुनि उनको कहते हैं, अपनी बेटी से ही पूछ लो, आप अपनी पुत्री से पूछ लो, उसकी जो इच्छा होगी उसका उसका हम पालन करेंगे। और जैसे ही वो सभा में आती है, अभी कुछ बोले ही, कुछ बिना बोले ही लोक मुद्रा कहती है कि मैं अगस्त्य मुनि को अपना अपना पति स्वीकार करती हूँ, ठीक है। आज से सरलता सरलता ही मेरा जीवन होगा और तपस्या से किस मैं दोस्ती करूँगी और अपने पति को मैं हर कार्य में असिस्ट करूँगी जितने मेरे अंदर शक्ति है, और हर गोल को अचीव करने में मैं जीवन पर्यंत उसका साथ दूँगी। अब ये थोड़ा अजीब सा कपल था, मिसमैच कपल था, लेकिन दोनों का विवाह करा दिया गया और मतलब और वे वहाँ से चले गए। और इधर विदर्भ के राजा सोच रहे हैं, उन्होंने क्या क्या, उन्होंने लड़की का जन्म भी देखा, उसका लालन पोषण भी देखा, खुशियाँ उनको प्राप्त हुई, फिर उससे उसकी मैरिज भी हो गई और उससे उनका वियोग वियोग भी हो गया। सभी एक हफ्ते के अंदर ये सब उन्होंने देख लिया। तो इससे क्या, एक तो ये लेसन भी ये लेसन है कि ठीक है कि 7 दिन के अंदर पूरा एक तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो गई। इसी प्रकार से अगर देखते हैं कि अगर नॉर्मल उसमें बात किया जाए तो ये सारा 40-50 सालों में हो जाएगा, 30 सालों में हो जाएगा, लेकिन एटर्निटी के अगर कॉन्टेस्ट में देखा जाए तो वह उस उतना ही है, क्षण भर के समान ही है। एटर्निटी के रिस्पेक्ट में ये क्षण भर के समान ही है। इसीलिए चाहे जीवन कितना बड़ा हो जाए, 70 साल का हो जाए, 100 साल का हो जाए, तो एटर्निटी के रिस्पेक्ट में इसको बहुत ही क्षणिक बताया जाता है। और दूसरा, क्योंकि ये सच नहीं है, इसीलिए ये भी एक स्वप्न के समान है ना। और इस स्वप्न की स्थिति में ये थोड़ा क्या है, बस क्यों इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, ये थोड़ा सा लंबा स्वप्न है, और ये क्योंकि स्वप्न लंबा लंबा चलता है तो हम उसमें एंजॉयमेंट करने लगते हैं, परमानेंट स्थान खोजने लगते हैं। और लेकिन जब स्वप्न टूटता है तो हमको रियलाइज होता है कि अरे वैसा तो कुछ था ही नहीं। तो उस जब स्वप्न टूटता है, छोटा स्वप्न होता है, रात में सोते हैं, टूटता है और देखते हैं अरे मैं तो ऐसे ही हसीन सपने ले रहा था, है ना। तो उसको ये जीवन के साथ देखना चाहिए कि जीवन भी एक स्वप्न के समान है, तो यहाँ पर भी ज़्यादा सपने नहीं लेने चाहिए। और ये क्या है, चेंज आएगा, परमानेंट कुछ नहीं है, बदलाव आएगा और ये स्वप्न भी खत्म होगा। तो ये स्वप्न खत्म हो जाए इससे पहले मुझको ऐसा कार्य कर लेना चाहिए कि मैं शाश्वत जीवन की तरफ अग्रसर हूँ, नहीं तो क्या है, फिर दोबारा जीवन प्राप्त होगा और दोबारा लंबा एक स्वप्न शुरू हो जाएगा। ये हमको देखना चाहिए कि ये स्वप्न भरा जीवन, ये जीवन हालांकि जागृत अवस्था तो कहलाई जाती है, लेकिन इससे भी आगे एक जो शाश्वत जीवन है उसको प्राप्त करना चाहिए, नहीं तो ये बार बार यही चक्कर चलता रहेगा। हम स्वप्न देखते रहेंगे और उनमें इंजॉय करते रहेंगे और एक दिन वो स्वप्न टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे इस प्रकार से। अगस्त्य मुनि लोक मुद्रा को लेकर उस स्थान से चले गए और लोक मुद्रा ने उनके सामने एक शर्त रख दी कि अभी तो बात कर रही थी कि सरल जीवन बिताऊंगी, लेकिन अब शर्त रख दी, मैं कोई तपस्विनी नहीं हूँ, मैं तो राजकुमारी हूँ, राजा की बेटी हूँ,
जब तक है पूरा राज्य नहीं होगा है ना, मेरा आपके साथ रहना संभव नहीं है, हम फैमिली को एक्सपेंड नहीं कर सकते इस प्रकार से, है ना। तो आपके पास पूरा ऐशो आराम की सुविधा होनी चाहिए, पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। अब आप उन्होंने अपना जब आश्रम चेंज कर लिया और अगर उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए, अब उनके पास क्या करें, अब उनका ऐसा बंदोबस्त करना है, धन लाना है, ऐशो और सारी फैसिलिटीज की व्यवस्था करनी है। तो इसके लिए वो राजा श्रुतवान के पास चले गए और उनके पास कहा कि जितना भी आपके पास एक्स्ट्रा धन है वो मुझे दे दो। राजा ने कहा मैं बहुत दान देता हूँ, आप जितना दान लेना है ले लो। बोले नहीं, वो सब नहीं चाहिए मुझको, आपके पास जो एक्स्ट्रा है वो मुझे दो। बोले ऐसी अजीब सी रिक्वेस्ट पहली बार सुन रहा हूँ मैं, एक्स्ट्रा मतलब क्या होता है, मैं राजा हूँ दान देता हूँ ले लो। बोले नहीं, जितना एक्स्ट्रा आपका अकाउंटिंग में निकलेगा वो, यानी आपके एक्सपेंसेस, आपके डोनेशन, सारा आपका खर्चा निकाल के वो सब पहले उसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो सारे अकाउंट्स बुलाए गए, सारे अकाउंट्स चेक किए गए, पूरा उन्होंने ऑडिटिंग किया कि इनके पास कितना टैक्स आता है, कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, कितना ये खर्च करते हैं, कितना लोगों की सेवा में लगाते हैं। और ये देखा गया कि एक भी पाई नहीं बचता। वो राजा का भाव ऐसा है, जितना भी पैसा आता है सो सारा जनता की सेवा में खर्च कर देते हैं, कुछ भी नहीं बचता, एक पाई नहीं बचता। तो उन्होंने बोला मैं ये नहीं ले सकता, मैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा होता तो ले सकता, आपसे नहीं ले सकता। बोले बड़ी दुविधा है, लेकिन अब ऐसे संत पहली बार आए थे उनके पास जिन्होंने ऐसी अजीब सी विपत्ति करी थी उनके। तो बोले ठीक है, आपकी मदद करूंगा, तो मेरे मित्र हैं उनके पास चलते हैं। तो उनको लेकर अपने मित्र के पास चले गए वो। जिनका नाम था वर्धन अश्व, उनके पास चले गए कि उनके से भी यही रिक्वेस्ट किया, यही कंडीशनिंग किया, जो एक्स्ट्रा है मुझे दे दो। अकाउंटिंग किया गया, उनकी भी सेम कंडीशन निकली, एक भी पाई एक्स्ट्रा नहीं निकला, एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं था। बोले ठीक है, आपकी मदद तो करके जरूर रहेंगे। तो तीसरे के पास चले गए हैं, त्रस दस्यु नाम के राजा के पास चले गए। उनका भी अकाउंटिंग किया गया, उनका अकाउंटिंग करने के बाद उनके पास नहीं निकला, उनका भी एक भी पैसा नहीं निकला। तो उन्होंने बोला ऐसे स्वीकार नहीं कर सकते हम। तो यानी कि वो सारा इस्तेमाल कर रहे थे, उसका उसका दान कर देते थे, उसकी उसको सेवा में लगा देते थे, है ना। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो भक्त लोग भी इसी प्रकार से प्रयास करते हैं, जो डोनेशन इत्यादि भक्तों से लिया जाता है कि प्रॉपर वो उसका अकाउंटिंग वगैरह और ये सब किया जाता है। अगर किसी का ऐसा चैलेंज होता है तो वो डिस्कशन इत्यादि कर सकते हैं। मैं जस्ट जस्ट वुड लाइक टू शेयर यू वन वन एग्जाम्पल। चैतन्य महाप्रभु के उसमें एक भक्त थे जिनका नाम था वासुदेव विप्र। तो वो 1 रुपया कमाते थे, उनकी सैलरी का जो भी 1 रुपया था उसको उसको सारा का सारा गंगा की सेवा में, भक्तों की सेवा में, भगवान की सेवा में लगा देते थे। उनकी फैमिली के लिए कुछ नहीं बचता था। तो चैतन्य महाप्रभु ने शिवानंद सेन को उनका अकाउंटेंट बनाया कि इसको सही रूप से इसको बांटना है। ऐसा नहीं है कि आप फैमिली के लिए कुछ नहीं रखोगे और सारा का सारा उसमें लगा दोगे। तो फिर शिवानंद सेन को अकाउंटेंट बनाया गया उनको चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। तो प्रॉपर अकाउंटिंग, ऐसा नहीं है कि दान के नाम पर लूट खसोट कर लिया और जबरदस्ती उसकी जेब से निकलवा लिया, बाद में वो बोले परेशान होता रहे, ऐसा नहीं है, भक्त लोग ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पता चलता है। अब जब तीसरे किंग के पास गए तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप हमसे नहीं लेना चाहते मेरे पास एक उपाय है। तो वो क्या उपाय बताते हैं, वो बताते हैं मणिमत्पट्टन नाम का एक स्थान है जहाँ पर दो भाई रहते हैं जो कि दुर्वासा के पुत्र हैं, इलवल और वातापी। वैसे तो ये दुर्वासा मुनि के पुत्र हैं लेकिन इनका स्वभाव राक्षसी है, आसुरी है। और इसकी हिम्मत की क्या बात बताऊं आपको, इन्होंने तो अपने पिता दुर्वासा मुनि से ही कह दिया कि अपनी सारी तपस्याओं का फल हमको दे दो। तो दुर्वासा मुनि को क्रोध आ गया और उनको कहा कि एक बहुत महान संत के साथ के हाथों ही तुम्हारी मृत्यु होगी, और
कुछ समय बाद इन्होंने एक ब्राह्मण के साथ जबरदस्ती करते हुए कहा कि हमको तुम आशीर्वाद दे दो ऐसे पुत्र का जो कि इंद्र के साथ युद्ध करने में सक्षम हो, या इंद्र जिसकी शक्तियाँ इंद्र के समान हो। तो ब्राह्मण ने उनकी इंटेंशंस को देख लिया और उनको आशीर्वाद दिया। तब से ये सभी ब्राह्मण जातियों के दुश्मन बन गए और उन पर अत्याचार शुरू कर दिया, और ये ऐसा षड्यंत्र रचाते थे, खेल रचते थे, धोखे से ब्राह्मणों को ख़त्म करते थे। तो अगस्त्य मुनि ने कहा ठीक है इनके पास चलते हैं, और बोले और इनके पास बहुत धन है, सबका राज्य हड़प लेते हैं, धन हड़प लेते हैं और सब अपने कब्जे में कर लेते हैं। अब ये तीनों चारों मिलकर इनके राज्य में गए। अभी तक इनका खौफ इतना फैल चुका था कि इनसे मिलने अपने आप कोई नहीं आता था। जब दोनों भाइयों ने सुना, वातापी और इंद्रवल ने, अरे ये चार लोग अपने आप ही मौत के मुंह में आ रहे हैं, बहुत अच्छी खबर है, आने दो। और इसमें से अभी वातापी जो राक्षस था वो तुरंत एक बकरे के रूप में आ गया, और इल्वल ने क्या किया, उसको कुक कर दिया, उसकी गर्दन काटी और उसका कुकिंग कर दिया, उसकी डिश बना दी। और जब ये लोग आए तो बहुत सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से इनका स्वागत किया गया, फिर इनको भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। भोजन पे डाइनिंग टेबल पे जब बैठे तो इनको वो सुंदर क्या कहना चाहिए, डिलीशियस डेलिकेसी उसको सर्व किया गया। अगस्त्य मुनि ने तीनों राजाओं को रोक दिया, आप इसको हाथ भी मत लगाना, क्योंकि वो समझ गए कि क्या चल रहा है सब। और जब वो अगस्त्य मुनि की बारी आई तो उन्होंने उसको खाना शुरू किया, पहले अपनी प्लेट में से खाया और बाकी फिर तीनों प्लेट को खत्म कर दिया, यानी पूरा का पूरा उन्होंने सब खा लिया। अब ये सब खाने के बाद इल्वल बहुत तेज हंसने लगा, हा 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 हा, हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया, हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। और फिर कहता है, वो कहता है, आवाज़ लगाता है, वातापी बाहर आ जाओ। वो सोचते हैं, उनको तब समझ में आता है कि क्या करने का प्रयास कर रहा है। एक्चुअली उनका प्रयास क्या होता था कि वो इस रूप से बकरे को पकाते थे मायावी रूप से, और वो उसको खिला के वो उनके पेट में चला जाता था, और फिर वो अपना रूप लेकर उनका पेट फाड़ के बाहर आ जाता था। और इस प्रकार से वो साधुओं का या जो भी वहाँ पर आते थे उनका वध कर देते थे। अब वो बात कर रहे हैं, वातापी बाहर आ जाओ, वातापी बाहर नहीं आ रहे। वो दोबारा कह रहे हैं बाहर आ जाओ, वो बाहर नहीं आए। वो राजा जो हैं उनको थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन अगस्त्य मुनि उसी तरह काम अवस्था में खड़े हैं। फिर वो ना वो बार बार कह रहे हैं वातापी बाहर आ जाओ, वातापी बाहर आ जाओ। अगस्त्य मुनि डकार लेते हैं, हैं वो डकार लेते हैं। वो जैसे ही डकार की आवाज़ सुनते हैं, इल्वल को विश्वास नहीं होता, अरे ये क्या, इसने वतापी को खाकर हजम कर दिया, उस वतापी को पचा गया। उसको तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं हुआ, और एक और डकार उन्होंने लिया है ना, कि अब वो तो उसको पूरा पचा लिया इन्होंने, इतना वो ऐसे संत थे, उसको पूरा पचा दिया उन्होंने। अब इधर उनके पास दौड़ा उनको मारने के लिए, तो उन्होंने एक हुंकार किया, से अगस्त्य मुनि ने एक हुंकार किया और वो भस्म बन गया और जलकर वहीं खत्म हो गया। और इस प्रकार से दोनों का वध कर दिया अगस्त्य मुनि ने, और सारा धन इत्यादि लेकर वो अपनी पत्नी के पास आए, लौह मुद्रा के पास, और उनको कहा कि आओ देखो। और उनके पास पूरा सोने के सिक्कों का पहाड़ उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। अब उनके पास उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई थी और उनकी कंडीशंस फुलफिल हो गई थी। तब अगस्त्य मुनि उनसे पूछते हैं कि तुमको किस प्रकार के पुत्र की आवश्यकता है, आप मुझको बताइए। आप उनको तीन ऑप्शन देते हैं, ठीक है, तुम्हें 1000 शक्तिशाली पुत्र चाहिए, या फिर 100 पुत्र चाहिए जिसमें 10 शक्तिशाली पुत्रों की ताकत होगी, एक एक पुत्र में 10 शक्तिशाली पुत्रों की ताकत होगी, या तुम्हें एक पुत्र चाहिए जिसमें 1000 शक्तिशाली
लोगों की ताकत होगी। वो कहती है कि मुझको एक पुत्र चाहिए जिसमें 1000 शक्तिशाली पुत्रों की ताकत हो या व्यक्तियों की ताकत हो। यानी कि एम्फेसाइज किसको किया जा रहा है, क्वालिटी को एम्फेसाइज किया जा रहा है, क्वांटिटी को एम्फेसाइज नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे क्वालिटी हर चीज़ में बेटर होती है ना। और फिर उनके उनके संतान की उत्पत्ति होती है और 7 साल तक वह उनके गर्भ में रहती है और उसके बाद उनके जो संतान की उत्पत्ति होती है उसका नाम त्रिदस्यु रखा जाता है, त्रिदस्यु। और उनका एक नाम तेजस्वी भी था, इनके शरीर से बहुत तेज और बहुत कांति निकलती थी। और उनकी उनकी उनके प्राकट्य के बाद कुछ समय के बाद अगस्त्य मुनि उसी स्थान पर वापस जाते हैं जहाँ पर उनके एंसेस्टर्स थे, ठीक है। और जब उस स्थान पर पहुँचते हैं तो आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगती है, उनका स्वागत किया जाता है। और अब वहाँ पर उनके वो एंसेस्टर्स की चीख पुकार और वो सब नहीं था। और फिर अगस्त्य मुनि उस स्थान से वापिस अपने तपस्या के जीवन की तरफ चले जाते हैं। तो इसके बाद इनकी और कुछ चर्चाएं हैं, उसकी हम कल चर्चा करेंगे, आगे कंटिन्यू कल करेंगे। एनी क्वेश्चन, डाउट, क्लैरिफिकेशन इस संदर्भ में? यस प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु, जैसे एक पॉइंट आपने शेयर किया था जो पिंडदान वाला, तो जैसे तो उसमें एक क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि अगर किसी की फैमिली में पुत्र है ही नहीं तो व्हाट विल हैपन टू देयर एंसेस्टर्स, इस केस में पिंडदान कैसे किया जाएगा? यस प्रभु जी, इसीलिए ये कंडीशन होती है, इसीलिए अगर आप पहले ज़माने की बात करोगे तो माता पिता पुत्र चाहते थे, क्योंकि पुत्र का मतलब जो भूत नामक नर्क से माता पिता का उद्धार करता है उसको पुत्र कहा जाता है। और इसीलिए पुत्र की आशा रखते थे। अगर पहले ज़माने में लोगों से बात करोगे तो इसीलिए कि हमारा श्राद्ध कौन करेगा, पिंडदान कौन करेगा, और इसीलिए कई संतानें उत्पन्न करते थे। हमारे दो का कॉन्सेप्ट बहुत ही घटिया कॉन्सेप्ट है, इससे गिरा हुआ और कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये कॉन्ट्रासेप्शन के ऊपर बेस्ड है, आर्टिफिशियल सेंस ग्रेटिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है। भक्ति विनोद ठाकुर की 10 संतानें थी, है ना। और गौर गोविंद स्वामी महाराज बताते हैं कि आई हैव एसोसिएटेड विद माई वाइफ 7 times एंड प्रोड्यूस 7 children। और गौर गोविंद स्वामी महाराज वो भक्त हैं, जब वो प्रभुपाद से मिले तो प्रभुपाद जी ने उनको 3 दीक्षाएं एक साथ दी हैं। जब उनके सन्यास की बारी आ रही थी तो लोग कहने लगे ये नए भक्त हैं। कुछ फॉरेन डिवोटीज उनको देखकर कहने लगे, प्रभुपाद जी ने उनको बोला, नो, यू आर अ न्यू डिवोटी। तो इसीलिए कई संतानें उत्पन्न होती हैं और उसमें से ऐसी उम्मीद की जाती है कि एक ना एक तो पुत्र होगा ही। अभी किसी के नहीं पुत्र हुआ तो क्या कह सकता हूँ इसके विषय में, उसके भाग्य में नहीं होगा तो ये तो भाग्य की भी बात है ना। लेकिन जो आर्टिफिशियली कॉन्ट्रासेप्ट के ऊपर जीवन है उसको बिल्कुल भी वैष्णव उसमें उसको कभी भी परमिट नहीं किया जाता, उसको उसकी कोई भी स्थान नहीं है, कोई भी प्लेस नहीं है। और अगर देखा जाए तो प्रचार करने के लिए एक तरीका कृष्ण कॉन्शियस संतान उत्पत्ति करना भी होता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने कहा है, उन्होंने कहा है, आउट ऑफ ह्यूमिलिटी कह दिया, ऐसा नहीं कर सकते थे कि अगर मैं अपनी संतान को भक्त बना पाऊंगा तो 100 संतानें उत्पन्न करूंगा। ये एक अलग चीज है, लेकिन एक प्रचार, एक संप्रदाय को पढ़ाने के लिए भक्त संतानों की उत्पत्ति करना
भी बहुत आवश्यक है, इसलिए गृहस्थों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कृष्णा कॉन्शियसनेस चिल्ड्रन की उत्पत्ति करें और उनको सही रूप से ट्रेनिंग दें। एक संस्था है जो कि जिसका नाम है आमिश, उस ग्रुप का बहुत बहुत तेजी से एक्सपेंशन हो रहा है। एक प्रकार का कल्ट है या एक प्रकार का रिलीजन है, वो बहुत तेजी से एक्सपेंशन हो रहा है। और एक्सपेंशन कैसे हो रहा है, वो कोई प्रचार नहीं है उनका, अब उनका अपना इंटरनल ग्रोथ इस प्रकार से है, उनकी अपनी संतानों की उत्पत्ति ऐसे बहुत है कि, और अब वो जब पैदा होते हैं तो उनको अपना ही रिलीजन फॉलो करने की ट्रेनिंग देते हैं, तो इसी से उनकी उनका बहुत एक्सपेंशन हो रहा है। और आप देखोगे कि मुसलमानों की संख्या भी इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और हिंदुओं की संख्या क्यों कम होती जा रही है, एक ये बहुत बड़ा कारण है। इसलिए एक संतान होती है या वो भी नहीं होती। मैं ये तो नहीं जानता कि मैं आपने उस उत्तर से संतुष्ट कर पाया आपको, लेकिन मैं यही उत्तर देना चाहता हूँ। आप कुछ और क्लैरिफाई करना चाहते हो? यस प्रभु जी, अगर शास्त्र की बात मानी जाए तो यस, उन परिवारों की सफरिंग है, क्योंकि पुण्य कर्म होने के बाद ही पुत्र प्राप्त होता है, तो यानी उनके ऐसे कर्म नहीं होंगे, तो यानी कि उनके कर्म सही नहीं है। और ये तो हम नहीं कह सकते कि कब किसको पुत्र प्राप्त होगा कब किसको, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है कह पाना, लेकिन जैसा शास्त्र बताते हैं पुत्र पाने के लिए अच्छे कर्म होने चाहिए। दूसरा तरीका भी है, जिसके अगर संतान उत्पत्ति नहीं हुई है तो वो भक्ति तो कर सकते हैं ना, अच्छे से भक्ति करें। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि उनके क्योंकि पुत्री उत्पन्न हुई है या किसी कारण से संतान उत्पत्ति नहीं हुई तो उनका उद्धार नहीं हो सकता, भक्ति कर सकते हैं। बाकी ऐसा वर्णन आता है जो अच्छे से भक्ति करते हैं भगवान उनके उनके लिए ये सारे कार्य अगर आवश्यकता पड़े तो करते हैं। एक एक ये कथा भी है, इसमें डीटी स्वयं अपने डिवोटी के लिए पिंडदान करते हैं, मेरे को डिटेल याद नहीं आ रहा, ये एक कथा भी है, एक डीटीज करते हैं। कभी याद आ जाएगा तो बता दूंगा, अभी कुछ याद नहीं आना। ठीक है, आई होप इट हेल्प्स। टेक्निकली रूप से पूछना पड़ेगा इसके विषय में, लेकिन जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है जब उसको लीगल अडॉप्ट कर लिया गया है तो इट वुड हैव इफेक्ट, क्योंकि उसको दर्जा दिया गया है ना, तो फिर वो सारे वो कार्य करेगा। तो इसका वर्णन भी आता है, गोद लेने का वर्णन भी आता है ना शास्त्रों में, भी एग्जाम्पल आते हैं कि संतान को गोद लिया गया, तो उसको जब सारे राइट्स मिल रहे हैं सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं तो जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको भी तो एग्जीक्यूट करेगा वो। टेक्निकली पूछना पड़ सकता है क्या शास्त्र इसके विषय में कह सकते हैं, लेकिन दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज। हरे कृष्णा, सो लेट्स वाइंड अप हियर। जगत गुरु शील प्रभुपाद की सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।